लास्ट मंथ टू नीट। हाँ मैं इस पे एक अल्टीमेट वीडियो ला रहा था लेकिन अभी चल रहे हैं मेरे एग्जाम और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है सच में, और इस वजह से मैं वीडियो लंबी तो नहीं ला पा रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे को जो डीएम आते हैं इंस्टा पे भी और बच्चों के, तो उनसे ही मेरे को ये पता चला कि ये चीज बताना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मैं सोचा लेंथी वीडियो ना सही लेकिन ये वीडियो तो मैं बनाऊंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रेल, आप मुझे जानते हो, मैंने 685 स्कोर किया नीट 2023 में, और नहीं जानते तो क्या कर रहे हो इस चैनल पे विजिट करो जान जाओ। गाइस आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अभी आप प्रॉपर डेली का टारगेट वाइज कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मेंटोर का या तो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे या फिर खुद का बना देंगे। थोड़े टाइम बाद मैं भी अपना इनपुट बढ़ाऊंगा इस चैनल पे, जिससे कि अगर आपके सिलेक्शन में 1% भी मेरी हेल्प होती है, मेरा रोल होता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, ओएमआर फिलिंग। अभी रिसेंटली मेरे को एक बंदे का डीएम आया कि मैं भैया पेपर दे रहा हूँ ऑनलाइन लेकिन इसलिए मैं ओएमआर शीट नहीं भर पा रहा। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि इस वक्त यानी कि जो एक महीना अभी लास्ट का बचा है, इस टाइम भी अगर ओएमआर को तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नीट एग्जाम डे पे कैसे करो। अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हो ना तो भी ओएमआर को तुम अलग से फोटोकॉपी करवा के निकालो और उस पर हर रोज जब भी तुम टेस्ट देते हो तो उसको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस जरूर करो। मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैंने आज तक में 2 या 3 बार ही ऑनलाइन प्रॉपर दिया होगा, बाकी मैंने हमेशा से ओएमआर शीट यूज करी है। जिससे भाई क्या होता है कि तुम्हारी एग्जाम तक आते आते, अभी जब बहुत सारे टेस्ट तुम दोगे लास्ट के टाइम पे, तो एग्जाम तक आते आते तुम्हारे को ओएमआर फिलिंग में भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी, जो कि स्पीड भी तुम्हारी रहेगी और जैसे कि एक्यूरेसी भी रहेगी, तुम्हारी गलती नहीं होगी कोई, ठीक है। तो ओएमआर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एकदम से उस दिन एग्जाम डे पे करोगे तो थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कर रहे हो भाई? और अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो किसी भी तरह से कंप्लीट करो, जल्द से जल्द वन शॉट से करो या जैसे मर्जी करो, ठीक है, कंप्लीट करो अपना सिलेबस और जितनी जल्दी हो सके रिवीजन स्टार्ट करो। और रिवीजन अब जो है ना, अब एक महीना तुम्हारे पास भूलने का टाइम नहीं है, यानी तुमने जो पढ़ लिया उनको तुम्हें हर टाइम यानी कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तुमने मान लो कि 5 दिन पहले कुछ पढ़ा था तो हो सकता है कि तुम अब तक भूल गए हो, तो अब उसको रिवाइज कर लो। 5 दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया, 3 दिन बाद हो गया, पीछे वाली चीजें रिवाइज कर लो। और अब तुम्हें कम टाइम लग रहा होगा, अगर तुमने प्रिपरेशन करी है ना तो अब तुम्हारे को बहुत कम टाइम लग रहा होगा किसी भी चीज को रिवाइज करने में। जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको 2-3 दिन पहले कराया है तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहोगे आगे रिवीजन में भी। तुम ये नहीं कर सकते कि एक महीने अभी जैसे तुम पढ़ोगे तो उसको फिर लास्ट में पढ़ोगे, नहीं नहीं कर सकते। इससे होगा क्या, तुम कोई भी टेस्ट दोगे ना तो मैं टेस्ट से पहले भी तुम्हारे को पूरा सिलेबस यानी सब कुछ जो तुमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि एक मंथ अब लास्ट आ गया, तुम सब कुछ रिवाइज ऑलमोस्ट कर चुके हो, उसी को बार बार कर रहे हो ना, तुम्हारे को सारा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में होगा और टेस्ट में तुम बहुत बढ़िया अच्छा स्कोर भी करोगे, ठीक है। इस टाइम क्या होता है कि हमारी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, रिटेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को जल्दी याद रहता है और ज्यादा याद रहता है। तो इसलिए तुम जितना इनपुट डाल सकते हो अभी उतना सही रहेगा, क्योंकि तुम जितना पढ़ोगे ना उतना आएगा और उतनी जल्दी आएगा तुम्हारे माइंड में। तो ऐसे ही चीजों को रिव्यू करते चलो और फोटोग्राफिक मेमोरी बनाते चलो, जिससे तुम्हारे को एग्जाम के डे पे जब तुम पेपर कर रहे होगे कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को नोट्स रिकॉल होंगे कि हाँ यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, और फिर तुम कर पाओगे अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो कि तुम बहुत सारे बंदे कहोगे कि ये क्या कह रहे हो भैया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई टेस्ट डेली मत दो। हाँ, लेकिन वो किन बच्चों के लिए कह रहा हूँ वो सुन लो पहले, ठीक है। देखो ऐसा है कि मैं एक रेंज बताता हूँ, मतलब एक रेफरेंस बताता हूँ कि किन बच्चों को कैसे टेस्ट देना चाहिए। जो बच्चे अभी 600 से कम स्कोर कर रहे हैं, 500 से 600 के बीच में, 550 से 600 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, अगर वो भी डेली टेस्ट दे रहे हैं ना और उनको टाइम नहीं मिल रहा है रिविजन करने का, तो ये बहुत गलत चीज हो रही है, ये नहीं करना है तुम्हारे को। तुम बच्चों के लिए कह रहा हूँ, हमारा डेली काफी सारा टाइम टेस्ट में चला जा रहा है और तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारा गलत हुआ उनको तुम देख नहीं पा रहे हो, इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और तुम्हारा टाइम जो अभी लास्ट का एक महीना बचा है, जिसमें तुम काफी अच्छे से रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर भी सकते हो ना, तो वो भी तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो डेली टेस्ट मत दो, लेकिन तुम 3 से 4 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद टेस्ट दे दो एक टेस्ट, और उस पीरियड में जो कि तुम्हारे को गैप मिला 3 से 4 दिन का, उस पीरियड में तुम्हारे को उन मिस्टेक्स पे बहुत अच्छे से काम करना है। और अभी जितना पढ़ोगे, मैंने बताया ना तुम्हारे को रिटेनिंग पावर काफी ज्यादा होती है, तो तुम उस चीजों को जब रिवाइज करोगे ना तो बड़ी जल्दी तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, जो अभी तक नहीं भी आया होगा, याद भी नहीं हुआ होगा, वो भी तुम्हारे को बड़ी जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज पर अभी काम करो। बच्चे इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, डेली मत दो, 3-4 दिन बाद दो, और अभी तुम ये करीब जैसे 5-10 दिन बचेंगे अब नीट के, तब तक तुम ऐसे दे सकते हो, बाकी तुम्हारे मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएंगे काफी अच्छे से। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे 650 तक पहुंच जाओगे और उससे ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। और जब लास्ट के 10 दिन बचे हो तब तुम डेली टेस्ट भी दे देना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बूस्टअप होता है। एंड वो बच्चे जिनका 600 से ऊपर स्कोर आ रहा है, 630 650 का एवरेज रह रहा है, तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि तुम अल्टरनेट डे पे टेस्ट दे सकते हो या फिर डेली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि तो जो तुमने गलत किया है टेस्ट में नहीं आया है, उनको सीख जरूर लेना, उनको रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि अब आगे तुम गलती ना करो। टेस्ट इसलिए थोड़ी ना दिया था कि हमें कितना आता है, टेस्ट तो ये देखने के लिए दिया था ना कि क्या अभी भी नहीं आता है, उस पर काम करना है। इस टाइम पे तुम बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, तो वो चीज मिस मत करना कि तुम लगातार टेस्ट ही दिए जा रहे हो, एक दिन में 2 टेस्ट दिए जा रहे हो लेकिन तुम्हारे को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये चीज नहीं करना। तुम अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका एवरेज स्कोर 650 प्लस रहता है, 680 690 700 ऐसा स्कोर आ रहा होता है, तो वो बच्चे डेली 1-2 टेस्ट भी दे देते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं है
जहां से उनकी इंप्रूवमेंट होगी मार्क्स में, टेस्ट से ही उनकी इंप्रूवमेंट होती है, तो उन बच्चों के लिए होता है वो। तो मैं तुम्हारे को एक रेंज बताया, उस रेंज में काम करो, जैसे 650 तक का अगर स्कोर कर रहे हो तो उसमें आप अल्टरनेट डे या फिर डेली भी टेस्ट दे सकते हो और ऐसे इंप्रूव करते रहो, करते करते तुम अपने आप ही 650 प्लस पहुंच जाओगे, 700 तक भी पहुंच जाओगे। हाँ, यही 3 पॉइंट्स थे जो कि मेरे को आप सबसे ही पता चली है, तो मैंने सोचा ये सब बता देना चाहिए आपको, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो बट कोई नहीं, थोड़ी टाइम बाद मैं फिर से मिलूंगा और मैं काफी ज्यादा इनपुट बढ़ाऊंगा जैसे कि मैंने कहा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी चाहिए हो मेरी एंड से, मेरे को जो मैं हेल्प जो कर सकता हूँ आपकी, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो इंस्टा पे डीएम कर देना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा, इन चीजों पर वीडियो बनाऊंगा और जितनी आपकी हेल्प हो सके मैं वो करूंगा। तो चलता हूँ, इस वीडियो से भी मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।